Hello students, welcome to the new session and let us start with the first chapter in your science book, Living and Non-Living Things. Okay, Sajeev or Nirjeev Cheeche. Ab isse pehle ki aap padhna shuru karo, aap ek kaam kar lena, video ko pause kar dena, apne book mein jo hai na, is Chuheram ki coloring kar dena, theek hai? और फिर आप उन सभी चीजों का नाम लिखना जो कि आपने कलर किया है, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, चूहा है साथ साथ मैट भी है ना. ओके, अब एक चीज जानते हो आप कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, राइट? देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारी चीजें हैं हमारे चारों तरफ. दे कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग. वो सजीव हो सकती हैं या फिर निर्जीव. लिविंग का मतलब हुआ सजीव, जिनमें कि जीवन है, और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, जिनमें कि जीवन नहीं है. लिविंग के आगे नॉन लगा दो, नेगेटिव हो गया निर्जीव. अब लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? द थिंग्स थिंग्स दैट कैन ब्रीद, grow, move, feel and reproduce are called living things. वो चीजें जो कि सांस ले सकती हैं. ब्रीद का मतलब सांस लेना, ग्रो का मतलब बड़ा होना, मूव का मतलब चलना फिरना, फील का मतलब महसूस करना, ठंडी गर्मी धूप छांव, राइट, भूख प्यास, और रिप्रोड्यूस का मतलब अपने जैसा संतान पैदा करना. तो जो चीजें ये सब चीजें कर सकती हैं उन्हें जो है हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. और लिविंग थिंग्स दे ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर, उन्हें जो है खाना और पानी की भी जरूरत होती है. ओके, नाउ सी, अ बर्ड, अ बेबी, a plant, a worm and a fish are living things. Kaun kaun hai living things? Check it out. Ek chiriya, ek bachcha, ek plant, paudha, ek keeda, ek machli. Ye sare kya hai? Ye sare living things hai. Theek hai? Plants and animals are living things. Sare plants aur animals jo hai wo living things hai. एक चीज बताओ, यू आर ए लिविंग थिंग टू एंड आई एम ऑल्सो, आप भी एक लिविंग थिंग है और मैं भी हूं. ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, नाउ लिविंग थिंग्स की खासियत में हमने क्या देखा था, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है वो बड़े होते हैं. ग्रो मीन्स बड़ा होना. अ बेबी विल ग्रो बिगर, टॉलर एंड ओल्डर. एक बच्चा जो है छोटा छोटा, वो जो है बड़ा होगा और बड़ा होगा और लंबा होगा और जो है बूढ़ा होगा, राइट. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो बिगर, टॉलर एंड ओल्डर, राइट. प्लांट्स जो है वो भी ग्रो करके जो है बड़े होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं और पुराने हो जाते हैं. इवन एनिमल्स ग्रो बिगर, टॉलर एंड ओल्डर. जानवर सब भी जो है वो भी बड़े होते हैं, टॉल होते हैं और ज्यादा बूढ़े होते हैं, पुराने होते हैं, राइट. तो सब में ये चीज जो है वो होती है. एंड या वन मोर थिंग, लिविंग थिंग्स मूव. सजीव चीजें जो है वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह. Living things can move some of their body parts. सजीव चीजें जो हैं वो अपने कुछ body parts को move कर सकती हैं. They can also move from one place to another. वो जो है एक जगह से दूसरी जगह भी move कर सकते हैं. जैसे देख रहे हो मेढक इधर से उछल के इधर आ रहा है, या फिर ये छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं. अब प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकते. प्लांट्स
cannot move from one place to another. Plants जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह move नहीं कर सकते हैं, है ना? अब आप मान लो बगीचे में जाते हो और किसी plant के साथ जो है आप खेलते हो. अब ऐसा तो नहीं है कि शाम में वो plant आपके घर पे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा. They can move only their parts. वो सिर्फ जो है अपने parts को move कर सकते हैं. अब जैसे यहां पर मून फ्लावर आपको दिखाया गया है, तो मून फ्लावर जो देखो दिन के टाइम में बिल्कुल बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और शाम के टाइम में जो है वो खिलना शुरू हो जाता है, और नाइट टाइम में वो पूरी तरह खिल जाता है. तो ये भी तो मूवमेंट हुआ ना. लेकिन यहां क्या हुआ, पूरा प्लांट नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ प्लांट का एक पार्ट जो है वो मूव कर रहा है, राइट? ओके, चलो आज हम इतने पे ही ब्रेक लेते हैं. जितना आपने पढ़ा है अभी मेरे साथ, इतने को आप दोबारा रिवाइज करिएगा, और इस पे बेस्ड जो क्लासरूम में आपको असाइनमेंट या एक्टिविटी दी जाएगी उसे आप पूरा करिएगा. ओके, वेल देन, बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट.